बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवर टीवी के साथ मैं हूं अदील मुख्तार। शाम करेंगे इंशाल्लाह। एक कौम एक आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। पाकिस्तान के क्षेत्र में योम आजादी पर करिया करिया वादी वादी जश्न आजादी तोपों की सलामी से दिन का आगाज। फजाओं में नारे तकबीर की गूंज, नमाज फजर में वतन की सलामती और तरक्की की दुआएं। कराची से कश्मीर, ग्वादर से गिलगित तक सब्ज हलाली परचमों की बहार। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर, क्वेटा समेत शहर शहर परचम कुशाई। कहीं रैलियां तो कहीं केक काट गए। बच्चों का जज्बा नाकाबले फरामोश। मिली नगमे और टैबलोस करके वतन से मोहब्बत का इजहार। मिजार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स मिजार कायद पर गार्ड तैनात। कमांडर पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर मोहम्मद खाले ने मिजारे कायद पर फूल चढ़ाए। मिजारे कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। योम आजादी कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली की शिरकत, फौजी अफसरान, गैर मुल्की सफरा और शहरों की बड़ी तादाद शरीक। मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वालों को खिराज अकीदत। फनकारों का मिली नगमों के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार। कौमी यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा। हर इलाके की सकाफत नुमाया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, बलोचिस्तान, सिंध के सकाफती रंगों की मंजर खुशी। मुल्क की आज़ादी और तरक्की के लिए फौज और कौम कुर्बानियां दे रही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का योम आज़ादी पर खिताब। जमहूरियत और आइन व कानून की बालादस्ती सबसे मुकदम है। कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होकर इताद व यगानियत की फिजा कायम हो सकती है। मुनाफरत फैलाने के बजाय मोहब्बतों को फरोग देना होगा। पिसे हुए तबके को उठाना इंसाफ के लिए जरूरी है। फ्रीकैन को सुना जाए। सदर मुमलिकत का कश्मीरियों की जदोजहद को खराज तहसीन। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का आज़म दोहराया। और गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातह खानी की फूलों की चादर चढ़ाई। दोनों रानवा शहरों से घुल मिल गए। कमरान टेसरू बोले उम्मीद है निगरान सेटअप अपनी जिम्मेदारियां ऐसन तरीके से निभाएगा। शहरों को शाम 6 बजे मज़ार कायद पर जमा होकर एक साथ कौमी तराना पढ़ने की दावत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की इज्जत की। उम्मीद है आइंदा इलेक्शन में मुल्क की बड़ी जमात बनकर उभरेंगे। हेडलाइन सामने जानी एवर टीवी के न्यूज स्टूडियो से। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवर टीवी। सब पे नजर अंदर की खबर।